तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं रात? पैकिंग हो गई ना? हाँ सब पैकिंग हो गई। एक बैग, ये है दूसरा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ व्लॉग विद बीना में। तो गाइज, आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और बहुत ही ज़रूरी काम है। और क्या ज़रूरी काम है, किस लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज, यहाँ पर 8 बज चुके हैं रात के और बस चाय की तलब हो रही थी। सब लोगों ने सोचा चाय पी लें फिर चलते हैं। ट्रे ही ले ले पूरा, तो चाची को तो दे दे। लो राधा चाय। हेलो गाइस, बियान तुम भी लोगे चाय? तब तक दे दो। ये इस टाइप की नमकीन बड़े भैया को भी पसंद आती है क्योंकि इसमें ना कुछ और बहुत हल्का होता है। तो गाइज, चलते चलते रात को बज गए थे 11 और सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो ये मंदाकिनी ढाबा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाना रहता है यहाँ का। पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ खाया था, तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने मंगवाई चाय, उसके बाद खाने में ऑर्डर किया शाही पनीर, दाल तड़का और कढ़ाई पनीर और जीरा राइस और तंदूरी बटर रोटी। विहान, शाही पनीर अच्छी है? टेस्ट किया? अच्छा। और गाइस, खाना खाने के बाद फिर गाड़ी में ही बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिया सब लोगों ने। और ये हुआ कि देर हो रही है तो गाड़ी में सब लोग पीते चलेंगे। एक बार में इसको खत्म कर देना। हाँ, नहीं तो गरम हो जाएगी, शरबत बन जाएगा। इधर उधर की बात बताती रहे। तो गाइस, हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और हम लोगों को लखनऊ ही आना था। और लखनऊ में एक शादी है जो इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, एज ए बड़े भाई की तरह, मेरे जेठ जिठानी की तरह उन्होंने हम लोगों का पूरा सपोर्ट किया और हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया। और एक क्लोज़ फैमिली है और एज ए जैसे मेरी बेटी है वैसे वो भी हैं। तो हम लोग उनकी शादी में जा रहे हैं और पास में मेरी बेटी भी तो लखनऊ में ही रहती है, तो वो पीजी में रहती है। मैं उसको भी रास्ते से लूँगी और फिर घर चलूँगी और शादी में चलते हैं, क्या क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। या इन्हें जबरदस्ती फील होगी, मोहल्ले में बचा ही नहीं, इन्हें पापा भी चाहिए। आगे पीछे हो गए। हाँ हाँ, हेलो बेटा, ये जरूर विहान का जूता अंदर करो, नहीं ये यार फिर नहीं जलाटा। तो गाइज, यहाँ मेरी बेटी रहती है, हम लोगों ने उसको भी ले लिया कि अब घर चलते हैं। तो अब हम लोग फाइनली अपने घर चलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सिद्धांत की, जो मेरा बेटा है, मतलब मेरे देवर का बेटा है, वो भी यहीं रहता है, पढ़ाई करता है। इतना हमने कभी नहीं
बहुत परेशान थे वो दो तीन दिन से। किया क्या कर रहे हो? हमका सो रहे, कहते अच्छा निकालने का हमका डिसाइड नहीं है। क्या ठीक तो गाइज आ गए हैं हम लोग अपने लखनऊ वाले घर में। आप लोगों ने पहले देखा होगा, जिसने मेरे घर का टूर नहीं देखा है तो वो जाके मेरे चैनल पर पूरा हाउस टूर देख सकता है। तो अब रात के बज रहे हैं एक, और हम लोगों ने खाना वाना खा ही लिया था। अब रात में सब लोग सोएंगे, फिर सुबह से उठ के घर की सफाई वगैरह भी करवानी होगी, और शादी भी है तो शादी में भी जाना होगा। तो फिर आपको हम नेक्स्ट डे का पूरा व्लॉग दिखाएंगे, और अब सब लोग आराम करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। ये मेरे बाहर का घर का व्यू है रात का, और बस सब लोग कमरे में आ चुके थे। और गाइस मेरा पैर जो है इतनी ज़्यादा उसमें सूजन आ चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस अब हम लोग सोने वाले हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। पैर तो लटकाए लटकाए एकदम अजीब से हो गए, सूजन सी आ गई। भैया अच्छे से झाड़ लो वो वाला भी, ऐसे पट्टी भी साफ कर लेना, ये पट्टी भी, ये पट्टी भी झाड़ लो, ये बिस्तर भी, सब ये गमले उमले, ये नीचे मेज, ये सोफा सोफा सब झाड़ झूड़ लो, अच्छे से सफाई कर लो। जिससे सारी धूल निकल जाए। तो गाइस सुबह हो चुकी है, 11 से 12 बज रहे हैं, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। हाँ सिद्धांत भाई, अरे बड़ी मम्मी अभी नहीं वो करना है। इतना खराब मुंह एक ही। अच्छा ये कौन है? शिवान, शिवान शर्मा, शिवान शर्मा 4.07 के सब्सक्राइबर। भैया अभी तो मेरे बहुत मुश्किल से 1K हुआ। तो ये है मैगी और ये ब्रेड, और अभी चाय आ रही है, ये पकड़ है। और साथ में ये सफाई भी शुरू है। ऊपर के सब कमरे हो गए हैं सफाई। भैया ऊपर वाले दोनों फ्लोर हो गए ना? हाँ ऊपर जगह हो गए। हाँ ऊपर हो गए, बस अब ये बाकी है, नीचे वाला बाकी है। एक भैया ये सीढ़ी साफ कर रहे हैं, बस यहाँ साफ हो जाएगा फिर नीचे सफाई होगी। यहाँ धुलाई करोगे ना भैया? यहाँ तो धुलाई होगी ना। गाइज दो हेल्पर बुलवाया था और उनकी हेल्प से पूरी सफाई करवाई। शाम 4 बजे तक सफाई चलती रही, ऊपर से नीचे तक अच्छे से धुलाई हो गई, पूरा घर एकदम से क्लीन हो गया। इसके बाद शाम को थोड़ा 1 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद सब लोग तैयार होने लगे शादी में जाने के लिए। तो गाइज सब लोग तैयार हो रहे हैं। चलिए गाइस सब लोग शादी में चलते हैं। चल बोल रहे हैं दोनों ले चलेंगे। हाँ वो सिद्धांत कह रहा है। अब यहाँ फिर से बोलो, तो गाइस हम लोग शादी में पहुँच चुके हैं। ये परिडे हॉल है, IIM रोड पे है, और अभी शादी में हम लोग अंदर चलते हैं और फिर आपको जयमाल वगैरह दिखाते हैं। गाइस गाड़ी लगा के साइड आ जाए।
तो गाइज हम लोग शादी में पहुंच चुके थे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद जयमाल का वेट कर रहे थे। और गाइज रात को 2 बज गए थे शादी से घर पहुंचने में, तो मैंने कुछ भी और ज़्यादा सूट नहीं किया। और सुबह में आई थी तो विदाई हुई, तो विदाई के टाइम वैसे भी इतना ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है कि उसमें भी मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। और गाइस दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों लोग। तो गाइस यही शादी अटेंड करने के लिए हम लोग झांसी से लखनऊ आए थे। तो यही थी मेरी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी फ़ोटो मैं क्लिक करी हूँ जो भी, वो लगा दूँगी। और मैंने लखनऊ में रुक के क्या क्या किया, क्या शॉपिंग की, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।